नाहन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने भाजपा की नगर परिषद नाहन को आड़े हाथों लिया है और विकास कार्यों में लेट लतीफी के आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि लाखों रुपया नाहन शहर को विकास कार्यों के लिए दिया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद विकास कार्यों पर पैसे को खर्च करने में नाकाम साबित हुई है, जिसकी वजह से सरकारी पैसे का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। अजय सोलंकी ने नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहर की विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद को अभी तक विधायक निधि और अन्य फंड से 40 से 50 लाख रुपया दिया जा चुका है, लेकिन विडंबना है कि अभी तक नगर परिषद इन विकास के कामों का टेंडर भी अवार्ड नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट समेत संपर्क मार्ग पक्के करने जैसे सारे काम लटके हुए हैं। विधायक के आरोपों को लेकर जब भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। मामले को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर का कहना है कि शहर में विकास के कामों को शुरू करने के लिए जल्दी ही टेंडर अवार्ड कर दिए जाएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो टेंडर्स हैं, टेंडर्स की फॉर्मेलिटीज तो हमें पूरी करनी पड़ेंगी, तो ये टेंडर्स हमने ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है जो 31 अक्टूबर को खुलेंगे, और इसमें किसी को कोई ना तो बीजेपी के किसी पार्षद को ऑब्जेक्शन है और ना किसी कांग्रेस के पार्षद को ऑब्जेक्शन है, लेकिन जो टेंडर फॉर्मेलिटीज है वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही हम कोई भी काम अवार्ड कर सकते हैं। विडंबना यह है कि एमसी के जो रोड्स हैं, एमसी के कई वर्क्स के लिए हमने लाखों रुपए एलोकेट कर दिया हुआ है, लेकिन एमसी के वर्क्स ही अभी तक शुरू नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। तो मैं भी प्रशासन से, डीसी साहब से बात करूंगा, या तो एमसी को निर्देश दें ताकि वो जल्दी जो बजट उनको एलोकेट हुआ है वो खर्चे जल्दी, नहीं तो या किसी और एजेंसी से काम करवाया जाए, अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा। इसके नगर परिषद एक यूजर एजेंसी है और जो भी नगर परिषद के कार्य क्षेत्र के कार्य हैं वो उन्हीं के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं, और हम चाहते हैं कि इतना शहर में, चाहे सफाई का मामला है, चाहे शहर के और जो विकास छोटी छोटी गलियां हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, और बहुत से कार्यों के लिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने कम से कम 40-50 लाख रुपए विधायक निधि और दूसरे फंड से मैंने ही अभी 5-6 महीने में एलोकेट किया है 40-50 लाख रुपए एमसी को, और एमसी ने अभी तक उनके टेंडर भी नहीं किए, कई पैसे को तो 6-6 महीने हो गए उनके पास, अभी तक उनके टेंडर भी कॉल नहीं किए गए। तो ये एक लेट लतीफी जो है, जो पैसा सरकार का पैसा, सरकार ने पैसा दिया है आपको, एग्जीक्यूट अगर टाइम से नहीं करेंगे, लोगों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आज जिस कार्य में 5 लाख रुपए लगते हैं, एक साल के बाद उसमें 7 लाख रुपए लगेंगे, तो होना ये चाहिए कि जब आपको पैसा आ गया है उस पैसे को जल्दी से जल्दी खर्च करें ताकि लोगों को सुविधा मिले, और अगर ऐसा ही रवैया रहा तो हम चाहेंगे कि इसकी यूजर एजेंसी चेंज करनी पड़ेगी, हम किसी और विभाग से उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, यही बोलना चाहूंगा।